हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा, आज आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग और आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी के क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी फॉर आरआरबी एनटीपीसी पार्ट टू। और आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यदि किसी के मौलिक अधिकार को हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार को पा सकता है। यदि हाई कोर्ट जाना चाहता है तो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार को पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने पर कितने मूल अधिकार थे? 7। जब संविधान बना होना था 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद के सदन स्थगित हो या फिर छुट्टी पर चल रहे हो। लोकसभा के एमपी छुट्टी पर चल रहे हो तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश कम से कम 6 सप्ताह तक जारी रहता है, जब तक संसद का सत्र शुरू होता है। और राष्ट्रपति को यदि लोकसभा राज्यसभा की बैठक चल रही हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी। और जब संविधान बना था तो हमारी 14 भाषा थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, अनुच्छेद 368। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? मैंने भी बताया जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जो कि अब वर्तमान में 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैलेस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायक निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है? संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? राज्य की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान। जापान की संसद का नाम डायट और जापान की मुद्रा येन और राजधानी टोक्यो। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट सत्र में बुलेटिन किसे कहा जाता है? स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, उसे बुलेटिन कहा जाता है। या फिर बजट सत्र के अंतिम दिन जिस विषयों पर चर्चा नहीं होती है उन पर भी मतदान करवा लिया जाता है, उसे बुलेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? प्रसार भारती अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? समवर्ती सूची। आपको बताना चाहिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसमें क्या होती होती हैं, एक होती है राज्य सूची जिस पर राज्य स्तर पर राज्य सरकार कानून बनाती है, एक होती है केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पीडीएफ पाने के लिए ब्लॉग में लिंक दे रखा है। ओके, धन्यवाद।